आज मैं आपको ऑक्सी एसिड जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में उसी पर आधारित क्वेश्चन, कुछ बच्चों को हो सकता है न समझ में आया या कंसेप्चुअली या ट्रिकी क्वेश्चन होने की वजह से न कर पाते हों, तो उनको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है परीक्षा में। ये सारे क्वेश्चन जेई मेन नीट और यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं और सॉल्व करने में आपको परेशानी होती है। CBSE अकेडमी पर आज के बाद आपको यह सवाल जो 4 मिनट लगता है सॉल्व करने में, 1 मिनट में सॉल्व होगा। हमारे ट्रिक से आप चलेंगे तो आप क्वेश्चन 100% सही होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या इस पर बनता है, लोग सोचते हैं कि इसमें ऑक्सी एसिड में क्या याद कर लिया हो गया, लेकिन आप देखिए अभी केवल 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों ही जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आने के एग्जाम में, बड़े बड़े परीक्षाओं में, जेई मेन और नीट में, ये 3 टाइप क्वेश्चन अभी लिखे हैं यहाँ पे। तीनों को करने में आपको बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि बच्चे कर नहीं पाएंगे, 40% बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उनको करने में 4 मिनट लगता है। ये सवाल अगर आ जाए तो कम से कम चारों का आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब जाकर बता पाएंगे, कम से कम मिनिमम 4 मिनट लगेगा। उसमें बांड काउंट करेंगे, हो सकता है गिनने में गलती हो जाए, परीक्षा में दबाव रहता है, उसको परीक्षा में कैसे आप हैंडल करें क्वेश्चन को कि सही भी हो और समय भी जो 4 मिनट का है वो 1.5 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, 1 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हमारे अनुसार तो 1 मिनट में भी देख कर भी टिक कर सकते हैं। आप चैनल पर बने रहिए, जब अप्रैल में रेगुलर क्लास होगी तो और भी इस तरीके के ट्रिक और कंसेप्ट बताए जाएंगे, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको CBSE एकेडमी से बेहतर ट्रिक और कंसेप्ट दोनों मिलेगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट ही पढ़कर क्वेश्चन गलत कर देते तो आपके लिए परीक्षा में कोई लापारी नहीं होगा, ना बेनिफिशियल है। आपको परीक्षा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहाँ सही करने के लिए आप जा रहे हैं, ना कि वहाँ कंसेप्ट सीख करके जाने के बाद भी गलत हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए आप केवल पीछे मत भागिए कि हमको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन सीखनी है या कोई सीखनी है, सीखनी अच्छी बात है लेकिन सीखने के बाद भी अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये 4, इसमें हमने 4 नहीं लिखा है, एक तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो आर्थोफास्फोरिक दिया है, हाइपोफास्फोरिक दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो यही देगा, फार्मूला देगा तो बहुत लोग निकाल लेंगे क्योंकि 11वें में पढ़ते हैं, 9th-10th में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। अब सबसे पहले तो ये निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आर्थोफास्फोरिक जो होता है पहला क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, जो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है उसको हम करा रहे हैं आपको। जो आर्थोफास्फोरिक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि सारे सूत्र एक जगह लिखवाए थे, पहले आप वहाँ पिछला लेक्चर देखिए इसके बाद सॉल्व करिए। तो आर्थोफास्फोरिक जो होता है H3PO4, यानी क्या होगा ये H3PO4। अब ये हो गया आर्थोफास्फोरिक, इसमें फास्फोरस का पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 हाइड्रोजन है तो +3 लिख दिया हमने, प्लस जिसका निकालना होता है उसको आप कोई लेटर नंबर मान लीजिए, जैसे एक्स जनरली माना जाता है तो एक्स मान लिया हमने, प्लस एक ऑक्सीजन जो चार्ज होता है -2 होता है, यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 2×4 पूरा आप लिख लीजिए। उससे आप डायरेक्ट आपको करना है डायरेक्ट -8 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ 0 कर दीजिए। अब देखेंगे +3 है, ये -8 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर +5, यानी कि इसमें मैक्सिमम नंबर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का हुआ रहा। दूसरा फार्मूला है, इसमें बहुत गलती होती है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, ये मिलता जुलता नाम रहता है, आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे, फार्मूला ही नहीं पता होगा आपको पहले, इसलिए मैं एक जगह लिख दिया हूँ, आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसका फार्मूला जो होता है H4P2O6। और एक चीज और मैं बता दूं, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है 5। मैंने इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए वो ट्रिक बनाया है कि अगर मैक्सिमम यानी फास्फोरस की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, अगर 5 से कम आए ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ऑक्सी एसिड में तो उसमें P सिंगल P बांड होगा, अगर 5 के बराबर आएगा तो POP बांड होगा, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं POP। ये 2 क्वेश्चन जनरली बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जेई मेन और नीट में, तो आपको ये देखना है, ये फास्फोरिक हाइपोफास्फोरिक एसिड का सूत्र है। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे +4, यहाँ फास्फोरस का निकालना ही है तो यहाँ 2 फास्फोरस तो 2x मान लेंगे इसको, माइनस डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा 0। जिसको न समझ में आए वहां पहले -2×6 करके लिखे, 2x बराबर हो जाएगा आपका
एट, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस फोर। अब आप देखेंगे हमने क्या कहा था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर 5 से कम आएगा तो पी सिंगल पी बॉन्ड होगा, यानी कि जो ऑक्सी एसिड है हाइपोफास्फोरिक उसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पी सिंगल पी बॉन्ड। नहीं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर अब इतना आसान नहीं बनाना, अगर आपको इतना आ जाएगा तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बुक में दिया है। और बना भी लेंगे तो एक ये चार ऑप्शन है, चारों को बनाएंगे तो 4 मिनट लगना ही है। अब वहाँ पे समय कम है, जेई मेन में 90 क्वेश्चन आता है, आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो इतना गारंटी है कि इंटर का जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ उसी से आप 25 के आसपास कर ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा उतने से। बाकी आप फिजिक्स में मेहनत करिए, उसमें भी मैं काफ़ी कुछ टॉपिक उसमें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस केमिस्ट्री पर है। क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया कि कैसे करना है आप देख लीजिए, नाम आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपचायक का गुण कौन करेगा, अपचायक कितना बिहेव कौन करेगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसमें किस ऑक्सी एसिड में पी सिंगल एच बॉन्ड, यानी कि जिसमें पी सिंगल बॉन्ड एच होगा, पी सिंगल बॉन्ड एच होगा वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, पी सिंगल एच बॉन्ड वाला। आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये चार दिया, कभी कभी सूत्र देकर भी, यहां तो सूत्र दे देगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि एक क्वेश्चन की जगह जैसे ऑप्शन में बनाया हो इस तरीके से दे दे। तो आपको फाइंड क्या करना कि पी सिंगल एच बॉन्ड है या नहीं है। तो हमने कहा था कि ये भी बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे CBS एकेडमी पर आप ANC कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। जैसे H3PO2 pH बॉन्ड काउंट करना हो तो स्ट्रक्चर बिना बनाए ये किसी ऑल इंडिया कोचिंग में नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक, क्योंकि मैं भी कई कोचिंग में पढ़ा हूँ और देखा हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं किसी कोचिंग को खराब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, अगर आप क्वेश्चन कंसेप्चुअल पढ़कर गलत कर देते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन 2-4 क्वेश्चन के ट्रिक्स नहीं होता, मेरा ट्रिक नहीं कि एक जगह लगेगा दूसरी जगह नहीं लगेगा, आप सेम सल्फर में भी लगा सकते हैं। तो मैं कोई इधर उधर वाली बात नहीं करता हूँ, मैं कंसेप्चुअली और ट्रिक ही दोनों बताऊँगा, आपका क्वेश्चन डिफरेंस सॉल्व हो। देखिए कैसे होता है, H3PO2 है, pH बॉन्ड, पहली तो है कि रिड्यूसिंग एजेंट वही काम करेगा जिसमें pH बॉन्ड होगा, तो pH बॉन्ड निकालेंगे कैसे। तो जो बेसिसिटी होती है आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, बेसिसिटी आप इनमें कन्फ्यूजन होता है कि इसका एक होता है, इसका इसका दो होता है, तीन होता है, ठीक है, बाकी एक H3PO3 भी होता है, उसका दो होता है। तो वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि मैंने कहा था कि pH बॉन्ड अगर निकालना हो तो हाइड्रोजन में से बेसिसिटी घटा दीजिए, इसकी बेसिसिटी 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 3 करेंगे कितना हो जाएगा इसमें pH बॉन्ड, 2 pH बॉन्ड हो गया। इसमें देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, अब एसिडिटी भी कितनी है, 3 है, तो क्या हो गया, 0, यानी कि pH बॉन्ड इसमें नहीं होगा। और ये आपकी क्षारकता है, इसकी भी एसिडिटी कितनी है, 4 होती है, 4 हाइड्रोजन है, 4 घटा देंगे भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ भी आप देखेंगे कि pH बॉन्ड केवल किसमें पाया जा रहा है, इसमें, और भी 2, तो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जेई मेन एडवांस के लिए, आप करने में थोड़ा उसमें असहज महसूस करते हैं, लेकिन आज के बाद CBS एकेडमी पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में सॉल्व होगा। अभी नए होंगे तो थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको जुबान पर देख कर बता देंगे कौन सा आंसर होगा। इसमें घटाने में क्या है, इसकी बेसिटी आपको पता है, डायरेक्ट घटाइए, pH बॉन्ड बना लेंगे आप, ठीक है। उसी प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन है, पी सिंगल पी बॉन्ड या इसी को POP बॉन्ड के तरह पूछा जा सकता है। तो पहले हम एक टाइप बता रहे हैं, नाम दे देगा या इसी प्रकार सूत्र भी लिख सकता है उसमें, तो सूत्र भी लिख देगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहाँ गलती हो सकती है, लेकिन हमारे अनुसार चलिए गलती नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फास्फोरस का, इसमें जैसे हम फार्मूला पहले लिख देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है सोल्यूशन का, तीसरा क्वेश्चन जो है, जो एक क्या लिखा है, हाइपो फास्फोरस, इसका फार्मूला क्या होता है, H3PO2, ये हाइपो फास्फोरिक, इसका फार्मूला होता है H4P2O6, आर्थो फास्फोरिक, इसका फार्मूला होता है H3PO4,
ये पाइरोफास्फोरिक, इसका फार्मूला आता है H4P2O7। ये चारों ऑक्सी एसिड आप देख लीजिए पहले, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन, दोनों टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, गलत होने कोई चांस नहीं है। अब आपसे पूछा कि पी सिंगल पी बॉन्ड, तो पहले तो ये ऑप्शन तो आप काट दीजिए तुरंत, क्यों? क्योंकि जब तक दो बॉन्ड नहीं पी होंगे, जो दो पी नहीं होगा तब तक पी सिंगल पी बॉन्ड कैसे बनाएंगे आप, इसमें तो एक ही पी है। लेकिन जब ऐसे नाम लिखा रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा दो पी है, तीन पी है, कि एक पी है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये फार्मूला है, इसमें एक ही पी है, तो इसके बारे में तो अब आपको सोचना ही नहीं है कि इसमें पी सिंगल पी या पी ओ पी बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो पी है ही नहीं। पी सिंगल पी बॉन्ड या पी ओ पी बॉन्ड बनाना हो तो कम से कम दो पी तो आपको चाहिए चाहिए, इसमें एक ही पी है, तो इसके बारे में सोचना है। ये क्या होता है कि परीक्षा में समय बचाने के लिए होता है, आप इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। फिर इसमें भी दो पी है, इसमें भी देखिए सिंगल, तो इसके बारे में तुरंत कैंसिल। आपको CBSE अकेडमी भी इस तरीके से बताया जाए कि आप देख कर आंसर सॉल्व करेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं चले जाइए। इसके बाद अब देखिए, अब आपको उत्तर किस में करना है, इन दोनों में, दो ही ऑप्शन चूज करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अप्रैल से, जब रेगुलर क्लास होगी, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि आप देखेंगे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ठीक से। अब आपको दो में आप उत्तर करना, हमने बताया कि जब पी सिंगल पी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, अगर हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है। पढ़ने के लिए हर किताब में, हर NCERT में वही दिया है, हर कोचिंग संस्था वाले पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे मिल जाएगा। लेकिन जब पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में रहेगा ये क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा, सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप पेपर में जाएंगे तो ये रहेगा कि ऑक्सी एसिड वाला क्वेश्चन तो हम 30 सेकंड में सॉल्व करें, ये गारंटी है। आप देखिए, हमने कहा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि पी सिंगल पी बॉन्ड, पी ओ पी बॉन्ड, कई कुछ, हम ये क्वेश्चन एक बता रहे हैं, बाकी जो टेस्ट लेंगे उसमें सारे क्वेश्चन देते रहेंगे। आप रेगुलर चैनल पर जुड़े रहिए, आपकी प्रैक्टिस इतना अच्छी करा देंगे जेई और बोर्ड परीक्षा में, तो आपको कोई सोचने की, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बदलाव नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन में इसी क्वेश्चन को उलट फेर करके बनाते हैं, तो ये चीज़ उलट फेर वाला जो क्वेश्चन होते हैं आपके इसी चैनल पर मिलेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा ज़्यादातर चीज़ें, आपको सीधे सीधे कंसेप्चुअल और ट्रिकी दोनों मिलेगा। ये 4 मिनट का सवाल आप 40 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे है। हमने कहा कि आपको स्ट्रक्चर बनाइए मत, आप सीधे नंबर निकालिए, सीधे नंबर आप निकालेंगे यहाँ, तो प्लस का 4 रखिए, प्लस 2x माइनस 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा। हम थोड़ा तेज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, 12 में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए, अगर जेई मेन और नीट क्लियर करना है तो स्पीड भी माने रखती है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस 4, यहाँ पे अगर निकालेंगे, इनको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमने पहले बताया कि यहाँ सिंगल पी है, यहाँ भी सिंगल पी है तो पी पी बॉन्ड हो ही नहीं सकता, हमको दो ही निकालना है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 4, यहाँ प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस का 5। और मैंने आपसे कहा कि जब फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 5 होता है, और 5 से जब कम आएगा तभी पी सिंगल पी बॉन्ड होगा, और 5 से ज्यादा आएगा तो पी ओ ओ पी बॉन्ड हो जाएगा। यानी आपको कौन सा टिक लगाएंगे आंसर इसमें, हाइपोफास्फोरिक अम्ल में पी सिंगल पी बॉन्ड होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे नोट में भी आप लिख सकते हैं कि जिस भी, जैसे सेम क्वेश्चन सल्फर भी बनता है, सल्फर के एसिड में भी, दोनों में से एक क्वेश्चन जेई मेन में, नीट में या बोर्ड में आता है, CBSE बोर्ड में खासतौर। आप देखेंगे, मान लीजिए हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता था 5 होता है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसकी वैल्यू 5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे 4 हो जाए, 3 हो जाए, तो इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, पी सिंगल पी बॉन्ड, ठीक। इसे इजी स्टेप नहीं बना सकता कोई, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर इसी के बराबर आ जाता है, 5 के बराबर आ जाता है, यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ऑक्सी एसिड में आप निकालते हैं और वो कितना आ जाए, 5 के बराबर आ जाए, 5 के बराबर, तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पी ओ पी बॉन्ड, ठीक। अगर यही 5 से ज्यादा आ जाए, यानी कि आपका 6 आ जाए, 7 आ जाए, जो भी आ जाए, अगर ज्यादा आता है तो उसमें परऑक्साइड लिंकेज हो जाता है। जब भी मैक्सिमम से ज्यादा आता है तो वहां परऑक्साइड लिंकेज होता है, ज्यादातर आपको मार्शल एसिड में देखने मिल जाएगा, सल्फर के ऑक्सी एसिड में, उसमें अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है और टाइम टेकिंग होता है। आज के बाद एक जो 4 मिनट का सवाल है, आप कितने सेकंड में सॉल्व करेंगे, 40 सेकंड में, एनसी कॉन्सेप्ट। आप देखिए, ये आ जाएगा यहाँ पे पी
OOP, लेकिन ये फास्फोरस में होकर के सल्फर में ज्यादा पूछा जाता है कि, लेकिन आपको कंसेप्ट बता दिए कि अगर इससे ज्यादा आएगा तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज होगा अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।